हेलो दोस्तों, एक नया और एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इस प्रकार एक पीस एलईडी चेजर सर्किट बना के दिखाएंगे। बहुत ही इजी एंड सिंपल होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम जी, टेक्निकल बिको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कुछ एलईडी, 3 पीस ग्रीन एलईडी, 3 पीस ब्लू एलईडी और 3 पीस रेड एलईडी। देखिए दोस्तों, एक पीस कॉपर वायर को मैंने कुछ इस प्रकार एंगल शेप लिया हूँ और इसके ऊपर सभी एलईडी को बिठाएंगे। सभी एलईडी के नेगेटिव पिन को हम एक एक करके इसके ऊपर बिठा देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरा चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, सभी एलईडी के नेगेटिव पिन को हम इसके ऊपर सोल्डर कर लिया हूँ। मैं हर हफ्ते में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को इस चैनल में डालता हूँ। नेक्स्ट हम 3 पीस कॉपर वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको हम सभी एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। कुछ इस प्रकार मैं जैसा कर रहा हूँ आप इसी तरह कर लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, मैंने सभी एलईडी के ऊपर कॉपर वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद चाहिए 3 पीस ट्रांजिस्टर जिसका वैल्यू है BC548। इस ट्रांजिस्टर का 3 पिन होता है बेस, कलेक्टर, इमीटर। ट्रांजिस्टर के 3rd पिन यानी इमीटर वाले पिन को हम सभी एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, मैंने सभी एलईडी के ऊपर ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद चाहिए छोटा छोटा 3 पीस कॉपर वायर का टुकड़ा। उस कॉपर वायर का टुकड़े को हम ट्रांजिस्टर के 1st वाले पिन के साथ और एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सभी ट्रांजिस्टर और एलईडी के साथ सोल्डर कर लिया हूँ। उसके बाद चाहिए 3 पीस कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर के नेगेटिव पिन को हम ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और पॉजिटिव पिन को हम एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार तीनों कैपेसिटर को हम सोल्डर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे 3 पीस रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 10K। रेजिस्टेंस को हम सभी ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ कुछ इस प्रकार सोल्डर कर लेंगे। नेक्स्ट हम और 3 पीस रेजिस्टेंस लेंगे जिसका वैल्यू है 680 ओम। उस सभी रेजिस्टेंस को हम एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ कुछ इस प्रकार सोल्डर कर लेंगे। इसी प्रकार सभी एलईडी के ऊपर रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ। नेक्स्ट हम लेंगे 1 पीस कॉपर वायर का रिंग, उसको हम कुछ इस प्रकार इसके ऊपर बिठाएंगे और सभी रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस प्रकार सोल्डर कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, सर्किट बहुत ही इजी एंड सिंपल है। रेजिस्टेंस के साथ जो एक्स्ट्रा लेग बचा हुआ है उसको हम कटर के द्वारा काट लेंगे। नेक्स्ट हम 2 पीस वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको हम सभी एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ ब्लैक वायर को सोल्डर करेंगे और रेड वायर को हम सभी रेजिस्टेंस के कॉमन वायर के साथ सोल्डर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार देख लीजिए। इस रेड और ब्लैक वायर के साथ 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई देंगे।
दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।